जुड़वाओ का काम है। अल्टीमेटम की बात करोगे कब तक इंतजार करेंगे? कब तक ये भी जोड़ तो हो भी तो जोड़ जोड़ सके क्या कर सकती है सर? और ये पत्रकार में ढंग की बात कह लो, राजनीति क्या करो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी जो आज अपने दलबल के साथ पहलवानों के समर्थन में पहुंचे हैं, हमारे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी बिरेंद्र सिंह डागर जी भी हैं। चौधरी साहब, बड़ा जो सुनने में आ रहा है, बड़ा एक प्रश्न है, बेटियों के साथ जो न्याय की मांग है उसको लेकर के आज आपने पहलवानों का समर्थन किया है। जी जी, एक तो बताओ ये 5-6 दिन की बात होली, रोज की हम गतिविधियों पर ध्यान रख रहे भाई वहाँ की दिल्ली में क्या चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, अब हमारी निगाह दिल्ली पर नहीं है। कितना बड़ा केस है यू और इन बच्चों का मुकदमा तो दर्ज नहीं हो रहा, FIR दर्ज नहीं हो रही, कम से कम FIR तो दर्ज होने चाहिए, कुछ किसी हद तक तो दबा दबा कुछ FIR दर्ज हो, उसकी जाँच हो, अगर वो मतलब आरोपी है तो उसे गिरफ्तार करा जा, क्या सत्ता में रहते हुए कुछ भी कर ले, बेलगाम है कुछ भी वो सत्ता में तो सत्ता का इतना बचाव थोड़ा ही होना चाहिए बस सत्ता में रहते हुए। ये हमारी माताएं बहनें महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं के इज्जत की बात है, क्या यही होता रहेगा भाई? ठीक है किसानों की बात अलग है, किसानों का तो भाव अंतर की बात है, कमती बत्ती होते रहे चलो वो तो अलग बात है, पर क्या इसमें भी हम समझौता कर ले? एक तरफ तो महिलाओं को सम्मान दे, एक तरफ क्या इसमें भी हम समझौता कर ले? कोई समझौता नहीं, कुछ भी हो सके। देखो हम बिल्कुल हकीकत बता रहे, मान सम्मान की बात है, अगर महिलाओं के साथ में हम तो कहीं कुछ भी बात हो महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा इनके सम्मान की, उसमें गांव में कोई छेड़छाड़ करे उसे भी सजा साथ ही सजा दी जा, कुछ भी बात हो उसे साथ ही सजा दी जा, जो सामाजिक फैसले है जो ग्रामीण सजा है। तो क्या इतनी बड़ी हुआ हो रही बातचीत? जो खिलाड़ी है, जो हमारे शान है, जो हमारे मान सम्मान है, जो हमारे शान है, जो विदेश में थे हमारे बच्चे हैं, इस तरह तो कुछ भी नहीं रहने का, इस तरह तो दबजा का मामला, बच्चे इसमें खेलू में नहीं निकले तो क्या होगी बातचीत? चौधरी साहब, आप पहलवानों की उम्मीदें खाप पंचायतों और भारतीय किसान यूनियन से है। मैंने कल देखा था बजरंग पुनिया ने आह्वान किया है कि हमारे काका ताऊ खाप पंचायत और किसान यूनियन आए, आप आ चुके हैं, फैसला कब तक होगा? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कल को निर्णय है, उससे बाद में अगर कुछ वो नहीं सुनाई होती नहीं कुछ हुआ है तो इसमें जो खाप चौधरी है इसमें किसी जाति मजहब की बात नहीं, सब बिरादरी की बात है इसमें, और हमें तो भी नहीं पता है बच्चे किस किस उस्ता है किस बिरादरी से ताल्लुक रखे, एक खिलाड़ी के ना उस्ता हम, एक खिलाड़ी है हमारे शान है और इनके लिए हम हर टाइम तैयार है जी, और कुछ भी करने को तैयार है, जैसे भी ज़रूरत होगी, जो कुछ भी बात होगी, शांति के तरीके से हमने हमेशा शांति का वही रखा, कभी भी कुछ नहीं हुआ, पर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। चौधरी बिरेंद्र सिंह डागर जी, आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मौजूद हैं, इन्होंने समर्थन का ऐलान कर दिया है, किसी भी हद तक जाकर के पहलवानों को न्याय दिलाया जाएगा, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं धन्यवाद करता हूँ फिर आपका संजय जी, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो ये संगठन है, जो ये कमेटी है, उससे भी बात हुई हमारे साथ, हमारे चौधरी साहब टिकैत साहब हमारे साथ है, नरेश हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इसमें कल जो कोर्ट का जो आदेश है उसका इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो बैठ के हमारे सिविक मोर्चे की मीटिंग है 30 तारीख को, 30 तारीख के बाद में हम बोला कोई निर्णय लेंगे जी। चौधरी साहब, आज नरेश टिकैत जी पहुंचे हैं और बड़ी भारी संख्या में उनके समर्थक यहां पहुंचे हैं, लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए। लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए, लड़की अपनी है, समाज की है, कि समाज की किसी की भी लड़की हो, सर छत्तीस जात बिरादरी किसी की भी है, वे सब अपनी हैं, उनकी गैर अन्याय हुआ, अगर सरकार को तो जरा सी भी सोच होनी चाहिए तो इस पर न्याय करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कल को फैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला करता है तो ये अपने घर चली जाएंगी, और नहीं तो किसान यूनियन खाप चौधरी यहाँ से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा।